So hey guys, this is Yes and you are watching the CS YouTube channel. So guys यार स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। तो guys सबसे पहले तो यार वीडियो को स्किप मत करना, कोई भी फेस कैम वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक प्रोग्रामिंग के फील्ड में हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक वीडियो को देखना। इससे पहले कि यार मैं आपको उन वेबसाइट के बारे में बताऊँ, मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ कि यार मेरे से काफ़ी लोगों ने और काफ़ी स्टूडेंट से मेरे से पर्सनली पूछा है कि आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बहुत सारी मतलब कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हो। तो कहीं सर मेरा यही कहना है कि आप सबसे पहले आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपनी कमांड बनाइए, और इसके साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा यार कौन सी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगी। एक बार आप अगर लॉजिक बिल्ड कर लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको कोई भी मेथड को यूज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का नॉलेज होना चाहिए और एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वर्क करना आना चाहिए। इसके बाद आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा था, यही मेरा मेथड है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं वर्क करता हूँ। तो आइए यार चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी टॉप 5 वेबसाइट है जिनको पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ आप सभी को, जिनके ऊपर आपको जाके कोडिंग सीखनी चाहिए या फिर पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो हमारी सबसे पहली वेबसाइट है उस वेबसाइट का नाम है हैकरैंक। तो गाइस यार आपको मैं जो भी 5 वेबसाइट बताने वाला हूँ, उन 5 वेबसाइट के ऊपर आपको सबसे पहले तो अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद यार आपको सबसे पहले तो हैकरैंक के ऊपर प्रैक्टिस के सेक्शन में आना है, और इसके बाद यार यहाँ पर आपको वो सारे प्रॉब्लम सेट मिल जाएंगे, या फिर मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रैक्टिस करनी है तो आपको सिंपल सा थोड़ा सा नीचे आना है, तो यहाँ पर आपको स्किल अवेलेबल फॉर प्रैक्टिस के सेक्शन के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यार इस वेबसाइट को पर्टिकुलरली मैं खुद यूज करता हूँ क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही ईजी है और ये यार बिगिनर फ्रेंडली वेबसाइट है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो इस वेबसाइट को जरूर से ज़रूर यूज़ कीजिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। मान लीजिए आपको एल्गोरिथम सीखना है तो आपको एल्गोरिथम के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, बहुत सारे आपके सामने प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स खुल जाएंगे। उन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करके आप अपने एल्गोरिथम के स्किल्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो कैसे यार मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमेशा आप प्रैक्टिस करते रहिए हर चीज़ के लिए। तो ये थी हमारी यार पहली वेबसाइट, इसके ऊपर आप जो चाहे, मान लीजिए आप पाइथन सीखना चाहते हैं या फिर जावा, मैथमेटिक्स, डेटा स्ट्रक्चर, C++, सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर अभी तक सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उन सारे प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर प्रैक्टिस की है। तो यार ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके अलावा यार यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन का भी सेक्शन मिल जाएगा। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेट के अंदर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप पाइथन के ऊपर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको वो भी मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। और आप जब ये करेंगे तो यार इस चीज़ की बहुत ही बहुत वैल्यू होती है किसी भी CV के अंदर। अगर आप अपनी CV के अंदर इस चीज़ को ऐड करते हैं तो यार इसकी आपके CV की हमेशा वैल्यू ही बढ़ेगी रखते हैं। तो यार ये थी हमारी फर्स्ट वेबसाइट, अब बात करते हैं हमारी सेकेंड वेबसाइट के ऊपर। तो यार हमारी सेकेंड वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है हैकर अर्थ। इस वेबसाइट के बारे में भी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो यार इस वेबसाइट के अंदर भी आपको रजिस्टर करने के बाद प्रैक्टिस के सेक्शन में आ जाना है। प्रैक्टिस के सेक्शन में आपको, मान लीजिए आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ डेटा स्ट्रक्चर को आप तो सीखना ही पड़ेगा, तो आप डेटा स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर भी प्रॉब्लम सेट मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल भी मिलेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी या फिर कुछ भी नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में तो यहाँ पर आप साथ ही साथ सीख भी सकते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ये थी हमारी सेकंड वेबसाइट। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिल जाएंगे, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप चैलेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार अभी कौन से जो है हैकेथॉन स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि अभी लाइव चल रहा है, अभी लाइव 5 ऐसे हैकेथॉन चल रहे हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा अपकमिंग में एक और नया
हैकेथॉन आने वाला है, इसके इन सभी के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छी मनी और प्राइज जीत सकते हैं। तो यार इतना आसान भी नहीं होता इन सब के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस की बहुत बहुत ज़रूरत होगी। तो इसलिए मैं आप सभी को इन सारी वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ। तो यार इसके अलावा हमारी जो थर्ड वेबसाइट है उस वेबसाइट का नाम है कोड फोर्सेस। इसलिए जो मैंने दो वेबसाइट बताई आपको उन वेबसाइट को मैंने टॉप पर इसलिए रखा क्योंकि यार ये जो वेबसाइट है वो बिगिनर फ्रेंडली, यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाते हैं, तो अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए तो आप उन ट्यूटोरियल को देखकर सीख सकते हैं और इसके बाद पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर यार आपको सिर्फ कोडिंग के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही, अगर आपको कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आपको सीधा साधा प्रॉब्लम सेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रॉब्लम सेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुल जाएंगी, इन प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको रेटिंग भी दी जाती है। तो अगर आपकी कोड फोर्सेस या अभी जो नेक्स्ट वेबसाइट बताने वाला कोड सेव इसके अंदर 6+ स्टार रेटिंग हो जाती है तो यार आपको बिना किसी झंझट के जॉब मिल जाती है, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद यार बात करते हैं हमारी फोर्थ वेबसाइट के बाद, तो यार बात कर लेता हूँ, यार इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी कम्युनिकेशन स्किल लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो वेबसाइट है हमारी इसके ऊपर भी आपको बहुत सारी ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। इस वेबसाइट को यार आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। इस वेबसाइट के ऊपर भी आपको बहुत सारी ऐसी कॉम्पिटिशन से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम सेट मिल जाएंगे, या फिर मान लीजिए आपको ऑनलाइन कॉम्पिटिशन करना है तो भी यहाँ पर आप कॉम्पीट के सेक्शन में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से अभी हाल ही में कॉन्टेस्ट चल रहे हैं उनके ऊपर आप हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं कुछ अच्छी खासी प्रॉब्लम्स को जिससे कि आपको जॉब इंटरव्यू में आसानी हो सके, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस और लर्न के सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना और यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यार मैंने अभी जो है प्रॉब्लम सेट वाला पेज खोल के रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी फोर्थ वेबसाइट। जैसे जैसे आप इन सारे वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे आपको अच्छे से पता चलता जाएगा। तो अभी बढ़ते हैं हमारी यार फिफ्थ वेबसाइट के ऊपर। तो यार हमारी जो फिफ्थ वेबसाइट है उसका नाम है लिट कोड। तो यार ये भी बहुत अच्छी खासी वेबसाइट है, इसको भी मैं पिछले 2 या 3 मंथ से यूज कर रहा हूँ। मैंने ज़्यादातर तो इसको यूज़ नहीं किया है लेकिन फिर भी मैं इसको आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसका जो इंटरफेस है बहुत ही अच्छा खासा है। इसके अगर आप एक बिगिनर हैं और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि यार चल क्या रहा है किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने अभी जैसे ही आप प्रॉब्लम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स के अंदर सारे सेट मिल जाएंगे। मान लीजिए आप पर्टिकुलर किसी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम या डेटाबेस के ऊपर सीखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए जैसे मैं एल्गोरिथम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको एल्गोरिथम से रिलेटेड वो सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यार ये थी हमारी 5 वेबसाइट। तो कैसे यार ये थी हमारी 5 वेबसाइट, आई होप आपको पसंद आएगी। वीडियो इतना अच्छा खासा नहीं हुआ लेकिन यार मेरा काम है आपको नॉलेज देना। तो ये थी हमारी 5 वेबसाइट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और काफ़ी लोगों के डाउट थे कि यार मैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, तो कैसे इन 5 वेबसाइट का मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा यार मैंने अभी क्योरा का पेज बनाया जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहाँ से पूछ लेना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन, खुश रहिए।